बलरामपुर में पुलिस अपराध नियंत्रण रखने के लिए काम कर रही है। अपराध रोकने एवं अपराधियों पर तमाम तरह के शिकंजे अपना रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनपद के थाना ललिया क्षेत्र में, जहां आपराधिक ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। थाना ललिया क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरी की एक घटना बलदेव नगर शनिवार रात, दूसरी रविवार रात, दो दिन के बीच में दो घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के लालपुर विशुनपुर गाँव का है, जहाँ पर अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी कर बॉक्स उठाकर घर से 300 मीटर की दूरी पर तोड़ा है। आपको बताते चले, सुनील पाठक पुत्र स्वामी दयाल पाठक ने थाने पर सूचना देते हुए बताया कि रविवार रात्रि में हम लोग छत पर सोए हुए थे। सुबह 5 बजे नीचे उतरकर आए तो देखा दोनों कमरों का दरवाजा खुला हुआ है। मान के चलिएगा सुबह रात में 1 से 1.5 बजे के थी। कैसे हुई? जब सुबह सो के उठे तो देखे घर में पूरा सामान चितर बितर और सामान सारा गायब है। क्या क्या गायब, क्या क्या चोरी हुआ है? जैसे हमारी वाइफ का एक बक्सा जो पर्सनल रहता है, जिसमें सारा सामान रखते, कुछ कैश उसमें था। कितना कैश था? 6,000 के करीब में समथिंग था कैश, और कुछ उनका सामान था, पायल वगैरह, चुटकी था, और हाथ की कुल अच्छा तो अंगूठी वगैरह था। कैसे आपको जानकारी मिली कि जब हम सुबह सो के उठे 4:30 बजे, जैसे रोज की तरह रूटीन होता है कि घर में आके 4 बजे सो जाते हैं, ठंड लगता है, उसी के बाद आए थे सोने के लिए तो देखे तो कि सारा सामान गायब है, बिथरा उथरा है। जाके सारे कमरे में हम देखे तो सामान नहीं था, तो पिताजी को आवाज दिए, वो बाहर आए, सारा सामान गायब हुआ था। तो इसकी सूचना आपने थाने पर दी? नहीं, 112 नंबर पे फोन किया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।